नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आज के वीडियो में हम जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप शो कर रहा है एंड आने वाले टाइम में किस टाइप का प्राइस मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विचार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे आईटी सॉफ्टवेयर का एंड इंडस्ट्री है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल स्केल का। जैसे कि स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 314 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 212 करोड़ का, जो कि पॉजिटिव साइन है। करंट प्राइस चल रहा है 185 का एंड इसका जो बुक वैल्यू है 135, डेप्ट इक्विटी है 0, एक 0 डेप्ट कंपनी है जो कि पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर होल्डिंग लोअर साइड के ऊपर है 19% के आसपास, जो कि रेड फ्लैग है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 1.37, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 9%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 50% एंड लास्ट 1 ईयर से प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, जो कि यहाँ पे -17% रिवर्ट दिया है। इसका मीनिंग है कि लास्ट 1 ईयर का जो डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा था, जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, इस अंडर परफॉर्म के बाद प्राइस उसका अभी एक मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास आ गया है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहां पे एक बार आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अगर अब हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो देखिए सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों का ग्रोथ लगभग यहां पे फ्लैट है, जिसको आप यहां पे रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए प्रमोटर के पास माल है जस्ट 12.71%, जो कि रेड फ्लैग है। एफआई होल्ड कर रहे हैं 4.84%, डीआई होल्ड कर रहे हैं 1.1% एंड पब्लिक यहां पे होल्ड कर रहे हैं लगभग 80%, लेकिन पब्लिक कैटेगरी में यहां पे 45% बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। अगर 80% माइनस 45 माइनस कर देंगे तो रिटेल पब्लिक यहां पे होल्ड कर रहे हैं 35% इंडिविजुअली, जिनका होल्डिंग बिलो 1% है। देखिए किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं एंड यहां पे तो पब्लिक होल्ड कर रहे 35%, जो कि रेड फ्लैग है। देखिए स्टॉक को आप फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन उसका जो सेटअप है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है जीएसएस इंफोटेक का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली, उसके बाद वीकली में देखेंगे। प्राइस देखिए यहाँ पे ईयर 2011 के आसपास टॉप क्रिएट किया था, उसके बाद प्राइस जब भी देखिए इस ग्रीन लाइन को टेस्ट कर रहा है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड 2022 में प्राइस के यहाँ पे जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस बन रहा था नियरली 140-150 के आसपास, प्राइस यहाँ पे ईयर 2022 में ब्रेकआउट किया एंड एज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट है। एग्जैक्टली प्राइस के लिए देखिए जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा था इस ग्रीन लाइन, अभी के लिए वही लेवल एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट, जो कि बन रहा है नियरली 150 के आसपास एंड प्राइस यहाँ पे उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिवर्सल साइन दिखा रहा है। अगर अब हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस के लिए देखिए जो ग्रीन लाइन था, एक मल्टीयर का रेजिस्टेंस आप क्लियर कट देख सकते हैं, 10 ईयर्स का डिकेडल रेजिस्टेंस था जिस लेवल से मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड वही लेवल अभी के लिए मल्टीयर का सपोर्ट जैसा काम करेगा। उसके साथ देखिए प्राइस यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा था एंड प्राइस जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया उसका डाउन ट्रेंड चैनल, प्राइस जैसे ही उसका मल्टीयर का सपोर्ट को टेस्ट किया यहाँ से डिमांड देखने को मिल रहा है एंड जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में प्राइस एक बार उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। ये जो लाइफ हाई क्रिएट किया था 340 के आसपास, लेकिन देखिए इस टाइप का स्टॉक थोड़ा सा हाई रिस्क होता है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस भी सही तरीके से काम नहीं करता है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट कीजिएगा, खुद का स्टॉप लॉस को डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद जाकर कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा अदर स्टॉक है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी जिसमें पोटेंशियल है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का सपोर्ट से बाउंस करना है, तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा एंड रिस्क को मैनेज कीजिएगा, जो कि इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का स्टॉक में रिस्क हाई होता है एंड रिवॉर्ड भी हाई होता है। मैं ऐसा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।
थैंक यू।